धनु राशि वाले जातक, अब आपको रुलाने वाले खुद रोएंगे। अचानक भाग्य पलटेगा। आने वाले 3 दिन 13, 14 और 15 मई बेहद खास, बदलने वाली है किस्मत। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 3 दिन कैसे रहेंगे, 13, 14 और 15 मई का दिन क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लेकर आ रहा है, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 3 दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कैसे रहेंगे ये 3 दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों इन 3 दिनों में यदि आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए कुछ दिन। इन 3 दिनों में निवेश मत करिए, लाभ नहीं देगा। कठोर मेहनत के साथ भाग्य का सहयोग अच्छे परिणाम तक आपको ले जाएगा। आईटी और सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए ये 3 दिन अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। नई नई तकनीकें सीखने का मौका भी आपको मिल सकता है इन 3 दिनों में। कुछ भी ऐसा मौका मिले तो हाथ से मत जाने दीजिए, नया सीख लीजिए, वो भविष्य में अवश्य आपके काम आएगा। दोस्तों अपने स्वभाव में नियंत्रण करें और मृदुलता लाने का प्रयास करें, इससे आपकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपने जो पुराना निवेश किया हुआ था उस पर मिलने वाला ब्याज अच्छा धन लाभ आपको इन 3 दिनों में कराएगा। यदि आप कोई नया व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 3 दिन उपयुक्त है। प्लानिंग कर लीजिए और काम कर सकते हैं। दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। वाहन जो है धीमे चलाइए, धीरे चलाइए। बाहर का भोजन करने से परहेज आपको करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए सुझावों को महत्व दिया जाएगा। दोस्तों परिवार में भी आपका जो है सम्मान बढ़ेगा, जो प्रसन्नता देगा। आपके कुछ काम यदि विदेश में फंसे हुए हैं तो उसे सफलतापूर्वक संपन्न होने का समय आ चुका है। ये 3 दिन मानसिक चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए। मानसिक चिंता परेशान करेगी इसलिए मानसिक चिंता पर ध्यान मत लगाइए। मन में चिंता खामखा की उलझनों में फंसकर आपके बनते कामों को बिगाड़ सकता है। ऑफिस में अपना काम पूरी समझदारी से करें। बॉस आपको आपकी गलती पर क्लास भी इन 3 दिनों में लगा सकते हैं, डांट सुना सकते हैं। दोस्तों व्यापारियों के बहुत से काम रुके हुए हैं जिन्हें लेकर आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। आज वे सभी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 3 दिनों में वो सभी काम बन जाएंगे। यदि आप अपने घर अथवा कार्यस्थल पर ऊंचाई पर खड़े होकर काम कर रहे हैं तो अलर्ट रहें ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। घर में किसी सदस्य का जन्मदिन है तो घर जाने से पहले उपहार खरीदें और उन्हें भेंट अवश्य करें। घर का माहौल अच्छा होगा। लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर भी आपको मिलेंगे इन 3 दिनों में। पर अगर जा रहे हैं, कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही करें, सूझबूझ से करें, अपनी बुद्धि विवेक से करें। दोस्ती यारी में समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों के चक्कर में अपना समय मत बर्बाद करिए। ये 3 दिन स्वयं को अच्छा महसूस कराने का प्रयास करिए। भक्तिमय वातावरण बनाइए अपने आसपास। भगवान का भजन कीर्तन में भी थोड़ा ध्यान लगाइए। कॉन्फिडेंस होना तो अच्छा है किंतु ओवर कॉन्फिडेंट में आकर किसी अन्य को, किसी दूसरे को अपने से छोटा समझना बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापारी समाज को सरकारी काम करते समय कागजी कार्यवाही ठीक से करना चाहिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। इस राशि के जो लोग लीवर के मरीज हैं उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है।
दवा लेने के साथ आवश्यक परहेज भी अवश्य करें। युवा वर्ग के जो लोग हैं, वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन मिलेगा, उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ का सलाह रास्ता सुगम करेगा। महिलाओं को चाहिए कि घर के कामकाज के साथ साथ सामाजिक कामों में भी भाग लें। टेक्नोलॉजी के मामले में पूर्ण ज्ञान करने से आप असमर्थ हैं तो उन्हें इस दिशा में अपने को अपडेट करिए, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उसे आप सीखने का प्रयास करिए, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस मामले में आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं, प्रयास तेज करें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। दवा का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए अच्छा लाभ कमाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवसर जो भी मिले उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हाई बीपी, एसिडिटी की संभावनाएं हैं, इससे बचकर रहना चाहिए। तला भुना और मिर्च मसाले वाला भोजन से परहेज आपको करना चाहिए। परिवार में आपके छोटे लोग अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे, जिससे आपको भी प्रसन्नता होगी। दोस्तों, सुंदरता जो होती है, सुंदरता व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। अपनी सुंदरता में निखार के लिए महिलाओं को ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस पर काम करना चाहिए। जातकों को इन तीन दिनों में बहुमुखी होना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सहकर्मियों के साथ मेलजोल का व्यवहार ही ठीक रहता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ की नोकझोंक आपको नहीं करनी है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। लोहे का कारोबार करने वाले व्यापारियों को नई डील करने में सजगता का विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्वाइकल के मरीज हैं तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए योग और व्यायाम कोशिश करें कि डेली लाइफ में आए। कई बार बड़ों का बोलना समस्या को बढ़ा देता है। बच्चों का विवाद है तो अभिभावकों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, बेहतर रहेगा। रूटीन से हटकर कुछ नया कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हैं तो एडमिशन लेने का सही समय आ गया है। दोस्तों, जातकों को अपने मित्रों से दिल की बात साझा करना चाहिए, जिससे कि मिलने की योजना भी बन सकती है। कार्यस्थल में काम अधिक है तो अपने ऑफिस में टारगेट को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर उधर मन भटकने मत दीजिए, जो काम पेंडिंग है उसे पूरा करने का प्रयास करिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। कारोबारियों को यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए, कारोबार के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि आप किन्हीं जटिल रोगों से पीड़ित हैं तो अभी तक आराम नहीं मिल पा रहा है तो आपको उससे आराम मिलेगा। आर्थिक मामलों को लेकर परेशान हैं तो अपने दोस्तों और परिजनों पर उस मामले में आपके सहायक बनेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छा समय चल रहा है, अच्छा लाभ मिलेगा, उन्हें आने वाले व्यवधानों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये तीन दिन अकेलापन महसूस कर सकते हैं आप, उन्हें समझें। उन्हें से बचने के लिए मित्रों और परिजनों के साथ आपको रहना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसमें मन ना लगे तो परेशान ना हो, मनोरंजन का सहारा लें और कोई कॉमेडी मूवी देखकर मूड फ्रेश करें इन तीन दिनों में। अकारण ही आपके स्वास्थ्य में गिरावट भी इन तीन दिनों में देखने को मिल सकती है। स्वस्थ रहें और खान पान दुरुस्त रखें। दोस्तों, इन तीन दिनों में आप जो है थकान और कमजोरी भी महसूस करेंगे। कुछ ऐसा चीज़ का सेवन करें जो आपके अंदर एक ऊर्जा ला सके, एक एनर्जी ला सके। पारिवारिक रिश्तों में जो है सेल्फिश रवैया अपनाना कतई ठीक नहीं है। दूसरों की चिंता करें और उनके दुख में भागीदार बने। फैशन से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों को अच्छा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका अवसर जो है आपको उठाना चाहिए, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। दोस्तों, इन तीन दिनों में विवादित मामलों में आपको नहीं पड़ना है। ग्रह स्थितियों को कोर्ट कचहरी तक न ले जाएं। घर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं उसे आपस में सुलझाने का प्रयास करें।
दोस्तों मार्केटिंग और फाइनेंस से जो जातक जुड़े हैं उनको टारगेट दिया जाता है, आप अपने टारगेट तक अवश्य ही पहुंच पाएंगे, इसलिए परेशान मत होइए। बिजनेस करने वालों को चाहिए कि वह अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई नई लुभाने वाली योजनाएं लाएं। ये 3 दिन आपको थोड़ा दर्द जो है परेशान कर सकता है, पैरों में दर्द रह सकता है। जो लोग साइटिका के मरीज हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। घर में संध्या के समय पूजा पाठ, इन 3 दिनों में पूजा आरती जो होती है जरूर करें, हवन भी करा सकते हैं किसी दिन अगर मौका मिले तो उचित रहेगा। तो दोस्तों यही था आने वाले 3 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।